राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी को एक नया और बहुत ही अच्छा एक प्रभु का लीला जो है आप लोगों के सामने मैं रख रही हूँ। ये एक भाव का है, ठीक है। अब आप लोग कुछ लोग कमेंट्स करोगे, क्या क्या करते हो मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। मैं आप लोगों को मेरा बताने का मोटिव बस इतना ही है, ये उन सभी प्यारे प्यारे भक्तों के लिए है जो अनुभव करते हैं और उनका गुणगान करने से कभी पीछा पीछे नहीं हटते और उनकी लीला में जो है खुद खो जाते हैं। तो ये उन प्यारे प्यारे भक्तों के लिए है, ठीक है। तो मैं जो मेरे साथ एक और अनुभव हुआ, और ये कल का ही अनुभव है, मैं शॉक्ड भी हूँ, बट जो भी है प्रभु मुझे अपनी लीला में ही रखे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप लोगों को बता दूँ कि एक्चुअली क्या है, घर में मैं जब भी कुछ कुछ काम करती रहती हूँ ना, और यदि कोई काम मुझे बहुत भारी लगता है तो मैं गुस्से में, प्यार में, कुछ भी मैं कान्हा जी को बोल देती हूँ, प्रभु देख लो हाँ नारायण, ये मैं आपका काम कर रही हूँ, अपना काम नहीं कर रही। हाँ ये मत समझना कि मैं यहाँ पोछा यहाँ लगा रही हूँ। मैं किसी मकान में पोछा नहीं लगा रही हूँ, मैं पहले बता रही हूँ, मैं वृंदावन में लगा रही हूँ, इतना ध्यान रखना आप लोग। तो मेरा रोज का काम होता है, जब भी मुझे याद आता है ना, जो भी काम होता है तो मैं ऐसे ही बोल पड़ती हूँ। तो आज क्या हुआ, आज सपने में मुझे एक वृद्ध आदमी नज़र आए और वो मुझे पर्ची के साथ कुछ पैसे दे रहे थे। तो जैसे मुझे लगा कि ये पैसे क्यों दे रहे हैं मुझे, तो मैंने उन बुज़ुर्ग को कहा कि नहीं अंकल, आप ये पैसे रख लो, ये पैसे मैं कैसे रख सकती हूँ, नहीं नहीं मुझे पैसे मत दो। तो वो बुज़ुर्ग आदमी मुझे कह रहे हैं, नहीं नहीं बेटा तू रख इसको पैसे, कभी कभी तू झाड़ू लगाती है तो तू ये पैसे रख ले। और तो मैं उनको कह रही हूँ कि नहीं अंकल, मैं झाड़ू वाली नहीं हूँ, मैं झाड़ू का काम नहीं करती हूँ, मेरा काम तो गार्ड का है, मैं गार्ड का काम करती हूँ। और क्योंकि मैं पीछे पहले गार्ड में थी, तो मैंने कहा कि नहीं मैं गार्ड का काम करती हूँ, मैं झाड़ू थोड़ी मारती हूँ। मन मन में मैं ये सोची, ये तो मुझे झाड़ू वाला ही लगा लिया और इसने मुझे झाड़ू वाली समझ के मेरे को टिप दे रहे हैं। मैं बोली नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं ले सकती। तो मैंने उन्होंने मेरे को बहुत ज़बरदस्ती किया। फिर एक और आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत भीड़ भाड़ गली है और सबने मुझे मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी। तो मैं उनको बोली कि नहीं अंकल मुझे नहीं लेना। तो दूसरे आगे उन्होंने भी मेरे को पैसे देने लग गए। उन्होंने नहीं नहीं आप रख लो, आप रख लो, कभी कभी तो करते हो काम, रख लो रख लो। मैं कहा नहीं, फिर वो मुझे दे के चले गए। फिर मैंने उनको आवाज़ लगाई, मैं कहा नहीं अंकल आप बहुत दयालु हो, आप बहुत उदार हो, आप रख लो, पर मैं ये झाड़ू वाली नहीं हूँ, मैं तो कार्ड्स का काम करती हूँ ना, आप मेरी चिंता मत करो, आप ये पैसे रख लो। ऐसा बोल के फिर मुझे याद नहीं है, वो गहरी नींद आ गई, शायद सपना हट गया। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे कन्हैया का लीला है जो मुझे सपने में आके मेरे काम की पेमेंट कर रहे थे। तो ये कान्हा जी है ना, ऐसी ऐसी लीला करते हैं। तो जब भी कुछ भी आप छोटे मोटे काम करो ना मेरी जान, तो भाव ऐसा डालो कि कन्हैया उठकर आ जाए आपके पास और कहे कि जैसे मुझे दिखाया वैसे आपको भी लीला का आभास कराए, है ना। तो ये उनकी लीला है, मैंने तो किसी भी भाव में कहा, लेकिन उन्होंने तो सच ही माना कि ले बेटा तू वृंदावन में झाड़ू मारती है तो तेरे पैसे भी तुझे देने चाहिए, देने देऊंगा मैं तुझे। और तो वो रूप बदल के मुझे दे रहे थे। तो मेरे दोस्तों, आप लोग भी ऐसा ही भाव रखें, जो कन्हैया आप मजाक में भी लो ना तो कन्हैया उठ के चले आए। तो श्री राधे राधे मेरी जान। तो आप लोग इस मज़ेदार लीला का ना आनंद उठाइए
अब जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे लीलाधर की लीला लेकर मैं जरूर आऊंगी। अगर आप लोगों के पास ऐसी लीला है तो मुझे शेयर कर दीजिए कमेंट में, मैं उसे भी जरूर अपने चैनल पे पोस्ट करूंगी। ठीक है, तो श्री राधे राधे आप सभी को।